हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नोमज किचन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मलई गुलाब जाम, और इसे हम बनाएंगे 10 मिनट में बिना खोए के। मार्केट में जैसे गुलाब जाम मिलते हैं ना, सेम उसी तरह से रेडी होते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए। गुलाब जाम बनाने के लिए हम खोया या फिर मिल्क पाउडर यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्रेड का। मार्केट में जो छोटा वाला पैकेट मिलता है ना, वही मैंने यूज़ किया है। नॉर्मल सैंडविच ब्रेड है, आप जैसे मिल्क ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। ब्रेड की जो साइड है ना, उसे मैं कट कर लूँगी। और जो साइड हम निकालते हैं ना, आपको इसे फेंकना नहीं है, इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। आपका ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएगा। तो आप रेसिपी में ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हो। इसे स्टोर करना है एयर टाइट टिफिन में, फ्रिज में रखें। ब्रेड लिया है, जिसका हमने साइड निकाली था ना, वही ब्रेड है। और उसे मैं हाथों से इस तरह से तोड़ रही हूँ। मिक्सर पे ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथों से ही आपको तोड़ना है। ब्रेड में मैं डालने वाली हूँ दूध। 1 कप दूध लिया है, पूरा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही आपको डालना है। और हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स करना है, हल्के हाथों से ही करना है। इसमें हमने कोई भी मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं किया है, फिर जो गुलाब जाम है ना, बहुत क्रिस्पी बनेंगे और जूसी भी। गुलाब जाम का डो रेडी है, सॉफ्ट है, आपको डो रखना है। 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई कोकोनट लिया था, यानी कि खोबरा, सूखा वाला खोबरा, उसको ऊपर वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, उसे मैंने निकाल लिया था, कद्दूकस किया है और मिक्सर में ग्राइंड किया है। आप चाहे तो यहाँ पे आप डेसी ग्राइंड कोकोनट भी यूज कर सकते हो। इसमें डालने वाली हूँ 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। आपके पास अगर मिल्क पाउडर नहीं हुई तो भी चलेगा, यहाँ पे आप 7 से 8 काजू भी यूज कर सकते हो। अब इसमें जाएगा मेन वाला पार्ट, यानी कि मलाई। दूध के ऊपर जो हमारी मलाई होती है ना, वही मैं यूज कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून मलाई यूज की है, और इसे हम मिक्सर में अभी ग्राइंड कर लेंगे और इसका स्टफिंग रेडी कर लेंगे। 2 टेबलस्पून दूध आपको कम ही डालना है। यहाँ पे जो हमारा स्टफिंग है ना, रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो, अच्छी तरह से मिक्स हुआ है और ठीक भी है, ज़्यादा पतला आपको नहीं चाहिए। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। अभी हम चाशनी बनाएंगे। 1.5 कप यहाँ पर मैंने शुगर ली है। शुगर में आपको उतना ही पानी डालना है, जितने आपने शुगर ली है ना, उतना ही, क्योंकि हम एक तार का पाक नहीं बनाने वाले, पतला ही पाक रखेंगे। नहीं तो फिर हमारे गुलाब जाम है ना, अच्छी तरह से शुगर को सोक नहीं करेंगे तो हार्ड बन जाएंगे। इसलिए आपको जो सिरप है ना, थोड़ा पतला ही रखना है। अब सिरप में मैं डालने वाली हूँ इलायची। इसे मैं तोड़ के यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। सिरप हमारा रेडी है, आप देख सकते हो। एक तार की चाशनी नहीं बनाई है, सिर्फ हमें जो सिरप है ना, चिपचिपा होना चाहिए, इतना ही आपको पकाना है। ब्रेड का जो हमारा डो है ना, अच्छी तरह से सेट हुआ है। इसे मैंने एक प्लेट में निकाला है, हाथों से इस तरह से हम थोड़ा सा दबा के स्प्रेड कर लेंगे। हल्के हाथों से आपको इसे मसलना है, ज़्यादा आपको जोर नहीं लगाना है। इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 टेबलस्पून घर का बनाया हुआ घी। और इसे हम हल्के हाथों से मसल लेंगे,
यहाँ पे हमारा परफेक्ट गुलाब जाम के लिए डो रेडी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके मैं छोटे छोटे गुलाब जाम बना लूँगी। परफेक्ट हमारा डो रेडी हुआ है, आप देख सकते हो गुलाब जाम में एक भी क्रैक नहीं आया है। इस तरह से आपको डो रेडी करना है, नहीं तो फिर ऑयल में डालने के बाद जो हमारे गुलाब जाम है ना फटने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी यूज़ नहीं किया है, इतना आपको ध्यान रखना है। गुलाब जाम फ्राई करने के लिए हमें ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम ऑयल पे ही हमें गुलाब जाम को फ्राई करना है। अगर हॉट ऑयल में आपने गुलाब जाम डाले तो उसको ऊपर का कलर है ना अच्छी तरह से रेड हो जाएगा और अंदर से गुलाब जाम हमारे कच्चे रहेंगे। और गुलाब जाम डालने के बाद एक स्पून लेना है और ऑयल को आपको हिलाना है। इससे क्या होगा, आपके जो गुलाब जाम है ना सिर सभी तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन भी होंगे और अंदर से पक भी जाएंगे। गुलाब जाम फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। गैस की फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पे आपको फ्राई नहीं करना है। और कंटिन्यूसली आपको इसे हिलाना ही है। गुलाब जाम हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हो कितना प्यारा इसका कलर आया है और बहुत क्रिस्पी भी बने हैं। कोई बोलेगा इसे हमने बिना खोए के या फिर बिना मिल्क पाउडर से बनाया है। गरम गरम गुलाब जाम में गरम चाशनी में डालने वाली हूँ, चाशनी भी हमें मीडियम हॉट ही चाहिए। चाशनी हमारे यहाँ पे ज़्यादा गरम नहीं है, आप इसमें उंगली डालेंगे ना उतना ही हॉट आपको चाशनी चाहिए। और उसमें मैंने डाले हैं हमारे गुलाब जाम और इसे हम 10 मिनट के लिए ही रखने वाले हैं, ज़्यादा आपको सिरप में नहीं रखना है। नहीं तो अगर ये सॉफ्ट हुए ना तो इसके अंदर का जो स्टफिंग है ना आप इसे भर नहीं सकते, इतना आपको याद रखना है। 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा गुलाब जाम है ना परफेक्टली सोख हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अंदर से भी बहुत सॉफ्ट बने हैं। अब इसमें हम भरेंगे हमारी स्टफिंग जो हमने मलई से रेडी की है। तो यहाँ पे जो हमारे मलाई गुलाब जाम है ना खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से सब गुलाब जाम में स्टफिंग में भर लूंगी। और आप चाहे तो आप इसे तुरंत खा सकते हो या फिर फ्रिज में रख के भी खा सकते हो। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे मलाई गुलाब जाम खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। कभी आपका मीठा खाने का मन हुआ ना तो आप इसे 10 मिनट में रेडी कर सकते हो। आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नवमीज किचन।